लैला खो 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 न रे दोगली भोसरो ना खड़ा कैले बानी हई सरोसा के भाजा वाले त पर परालू अंडा देखा तनी कैसे ना पारता पारा ना त हगा मुता के जिया ने करा दे पर ए भइयो ए दादा के मुगा दे बहु का ओकरा पारे के होती त पड़तै ना त ना पड़तै सुनना भइयो 2 घंटा से हम तोर नौटंकी देखा तनी काल हमर अंडा खाए के भाज बा अगर मुर्गी के तनको रेफ लाग गेल त साले भूल जाम कि तू हमर बड़ भाई बारे हां त भूल ना जो केंगे तोरा से अंडा वा परवा लेतनी साले मुंह ना गार बल गोबना नाम चाहतरन के आज मुर्गी अंडा वा ना परो इस तरह के काल भाज बा त कल 2 गो अंडा खाई हम लैला लैला आराम से पार लेकिन आजे पार कावे सार लोग हम जानते तोनको जी आ जाइबो हमरा बाप के जूस खाना लोग आंटा पर भार लगा था एगो मुर्गी पोस ले बानी कोर कुटु मता कुटा भी लाई लेखन दौरा था रोहई त खाई सारवा सब लेकिन ये सार लोग सब बची तो अपनो क्यों खाई ए लोग के मुंह मारे के बा हमरा हई सारो से खा लो तो कुछ बोलल ना मौगाए रहल आ हमरा पर चाप चढ़ले बार ड्राइवर बानी तोरा से अरे अपना काम है बनता आ गार मारबे कुटु रे कौनागत के सारी बोल ले हरी तनको शोभलाऊ हो पार दल अंडा लैला अंडा के साथ साथ गंदा भी कर दिलू अब चल जा होकर लगे होकर बाड़ी आज अन कोच बना के खाए बहुओ तनका हमरो के खियाइए दादा देखा तरह उतने बहुत बा सूंगे दे हमारा ही ना खियावे के बात करो तरह जो सरवा ना खियाइए हमारा ने खियाव जाता के होके ए माई ए तनका तेल बेसी रखिए अंडा फूले के चाहिए साली के बाप के जिम्मेदारी बा नाश्ता निकाल के रखल जा साला एगो दमादो बा त डेढ़ महीना से घरे बैठल बा बाहर भीतर जाए के नामे नहीं खेले बा जिंदगी भर हमरे कमाई खाई का दुन सरवा एम आई तनी हमरो के दी है हमनियो बेटे बनियो रोको ना बाबू हमर दे तनी आज अंडा छुआ गेल नु त चूल्हे फोराई आज हां तोहर बाप ने चूल्हा बनेले बरन फोड़ दिया नी पुतरो कहीं के हरिओम 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 धर बो धर तंग तुर ले का दिन हमार ना कोरोना खाई धर रे चाणवा धर अपना गारो में ठूस ले धर धर घर में अंडा खाना बनी तो खाएं क्या वो निकला देखा बाहर क्या हुआ इल्बा अरे सुना था नहीं देखी ना क्यों चिल्लाता तू कहाँ जा रहा है अरे भाई कुछ चीज बेचनी है पैसे की जरूरत है भाई चीज क्यों बेचनी है थोड़ा कमा लेना और कैसे कमाऊँ एक जॉब करने की सोच रहा था पर इस जॉब से टाइम ही नहीं मिल रहा है तो ये बात है तो तू कॉपी ट्रेडिंग ऐप क्यों नहीं यूज करता ऑक्टा एफएक्स की तरफ से क्या ऑक्टा एफएक्स हाँ ऑक्टा एफएक्स के बारे में तेरे को नहीं पता ये दिल्ली कैपिटल का न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर भी बन गया है और तो और इंडिया का बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर 2022 भी है तेरे को पता है सब के बारे में मुझे भी बता इस प्लेटफॉर्म पर एक लिस्ट होती है एक्सपीरियंस्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स की जिसे मास्टर ट्रेडर्स भी कहा जाता है आप अपना मास्टर ट्रेडर खुद चूज कर सकते हो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट और रिस्क स्कोर को देखकर फिर बस कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए और जो भी ट्रेड्स मास्टर ट्रेडर करेगा वो सब आपके अकाउंट में भी आ जाएगा इसका मतलब जब भी मास्टर ट्रेडर अर्न करता है आप सब भी अर्न करेंगे इसका कमीशन बहुत कम होता है और पे भी आपको तब करना होता है जब आपको प्रॉफिट हुआ हो तो मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना सच्ची हाँ हर ट्रेडर को रैंक भी किया जाता है उनके रिस्क पे 1 से लेकर 6 तक उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और प्रॉफिट के बेसिस पर मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है मेरे भाई ये तो सही है तो अगर आप सब भी अपने पैसों को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ और वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव 50% बोनस तो ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुत्ता लेखन कौन चिल्लाता रे के बा ए बा आदमी नहीं के चिना है पहले एक गिलास पानी ले आओ कुल्ला करे के बा प्रणाम अरे सतरंगी बाबू का समाचार बा अब बोरी दिन बाद पूरा वेशभूषा बदल के फूफा जी प्रणाम प्रणाम फूफा प्रणाम फूफा खूब खुश रह आइला आ तू का फूआ 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 तो थोड़े मजे मारत हो फूफा मेहमान जी तनी होश में न तरारो बहन के मजे मरवा दे
ए महाराज मजा मारे के मतलब गलत का समझतनी। घर में पंखा लागल बा, गैस पे खाना बनता, वॉशिंग मशीन में कपड़ा पिचाईता, ये सब मजा ना बता का बा। ए फूफा तो बात ठीके कहत हो, पापा नु अपन दोगल अपन सोचल हवा। आय पतर के पतर का इधर बैठ। इधर तब मेहमान जी राउर बहनिया मजा मारा था कि ना? कोनो ठीक बा, मजा मारते हो ही। धनी घर में शादी बेल बा, एसी में रहला आ खाना पीना नौकर बनावेला। सब तो भगवान के मर्जी बा। फूफा ओ फूफा चला ना अंगना में माई बुलावता, चला ना माई नाश्ता निकाल के पलंग पर धाई ले बा। चला आओ तनी आओ तनी आओ। ए मेहमान बाहर बैठू, भीतर कहा जा तनी। ए हटू सरोजिन बुलाओ तरी। 12 दिन ओकरा वेट कला केने बारो ओ करे जा। अरे भौजी काल में हो। भौजी प्रणाम। खूब खुशी रही बड़ी सुंदर लगा तरी भौजी, मन कर तो काचे काट ली। आ कहीं ना ना दिए के समाचार ठीक है मान में कि रहुआ लेके नहीं की। मेहमान जी नंबर 12 बनिए खा रहा बा। कोती भौजी ए राउ ठीक। हमरा दिले घबरा गेल, हम समझ नहीं कुछ और। मारा गंदा गंदा बार सोच के मारा गंदा गंदा बहू रे फूफा जी के बैठे लगे कुर्सी ले आवा जा। ए जो जाके कुर्सी ले भाई। तोरा के कॉल हुआ कि हमरा के? तोरा के माई केकरा कॉल है कुर्सी ले आवेला? तोरा बाप के। ओ पापा के। पापा जाके कुर्सी ले आओ, फूफा के बैठेला माई कहत हवा। तू सरा उ खड़ा हो के मतारी के खेला देखा तर जो सला जाके कुर्सी ले आओ। हम ये गई जाई हो एकने कहला कहल एकने के तोर बाप हो कि बाप के बाप के बाप हबो। कथि कहले रे सारा बाप चाहेंगे बतिबे दूरा पर बैठल है घर में घुस गेलन सरोजिन से भेंट करे। भला आदमी लेखन बाहर चल। अच्छा ठीक बा बाहर नाश्ता पानी हुआ। कब से बैठल बानी सारा नोटंकी देखा तनी, भिकारी ना है घर के दामाद है पुरान का। फूफा नायका दामाद के घर में इज्जत नहीं खे, आ पुरान का दामाद के यहाँ केहू लाड़े पूछता। एगो काम करो ना फूफा, ई घरवा लिखवाना ल। हाँ तो लिखवाइए ले, हम जहाँ एक बार ठाननी तब तो दू चार काटा लिखवाइए ले। हमार लड़वा हिलाओ ना सोरऊ के बेटा। हाँ यहाँ राउर बाबूजी और अदले बरन की लिखवा ले बा। ओ भाई जी नाश्ता करबा कि ना करबा कि भूखे रखबा? मिली नाश्ता इतना छटपटी कथी के बा, भूखे मरल जाते रह का अइले सरसराइले घर में घुस गेला। आय जो बगो से जो फूफाला नाश्ता लेके आओ। ए भैया चल नाश्ता ले आवल जाओ। ए जो कोनो पहाड़ ले आवे के हो? नाश्ता ले आवे चार आदमी जाई, जैसे कोनो आदमी मरल बा कांधा देके ले आवे के बा। आइले फूफा नाश्ता। अंडा के बच्चा बा। ए फूफा अंडा के खाए पूरा गांव बाहर निकाल दे हम, अगर अंडा के छू दे लू तो परवा ले हम। ए कुटुम खाओ रहुआ हम बानी नू। अंडा के छू देला तो हर मुंह छुकर के तोरा गार में साट दे हम। खाओ मेहमान खाओ ढीटे। फूफा तू खा हम पकड़ ले बानी। ए फूफा फूफा तू डरा मत ढीटे खा। ए बाप बाप अंडा मुंह में जाता। हमार जूजी खाना फूफा अंडा खाइए साला पकड़ा था।
अब ले जसन भूजा प्याज के खाई हटाओ सन। ए बउआ प्लेट हटा, मेहमान ना खइन, इनके गाड़ भरल बा। अड्डा चा बाबा तालुक बकरी के घास समय काटी लो, बैठ के चुतर से करता। बाबूजी देखी ना के आयल बारन। के आयल बारन? हम सतरंगी, प्रणाम बाबूजी। खुशी रही खुशी नहीं, काहेला ओइने हो? मुंह मरवावे आयल बानी, साला घर में कोनो इज्जत नहीं के, कोनो टी खिला होता, कोनो अंडा छीनता, कोनो घर से निकलता है, बहुरूपिया बानी का। बहुरूपिया राक्षस कह राक्षस, अंडा हमर काहे खाला बिना पूछ ले? ए हम का जाने अंडा कहां से लेके आइलो, मुंह में तो ना पड़े देले, छीन के खा गेले। अच्छा फूफा तू टेंशन मत ले, भेना में अंडा पारम तो खिया। अच्छा ना 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 ना, भेना में मुर्गी अंडा पारे नहीं तो खिया। बंटी अंडा तू पर बे, एक बार मुर्गा से पाल खा के पड़ते हो जो साला तू के पाल खो, रोज अंडा पड़ी है, रोज तरवा के खाइए। रे साला तू ने कहले अंडा परम द फूफा खइयन। रे साला गलती से मुंह से निकल गेलो को गेट छोर ना छोर और मुआ ना छोर। उठे फूफा, ए हटे रहुआ, उठे फूफा जी। अरे बाबू बाप, बउआ जी बैठावा कुर्सी पर, ए हटी। ए बटवा साले मुंह आई दे, हम झाटे ना चिन्हले, बड़ा चाहे छोट, बाप चाहे दादा। हम तो बेकारे उठेनी है फूफा के, भले गार चित्रा के गिरा रहल बा। हम तो कितना बार कर कुतुब के माना कहनी के हमरा घरे मत आव, हमरा घर में दोगला लड़का से पैदा ले लेबा, आ फिर भी लोग दौड़त रहता है। ससुरारी बता आई ना लो, फूफा जी के नाश्ता ना करल हुआ, कम से कम खाना खियावा हु। जा बउआ जा, मेहमान के खाना लेके खिया दो, उनका घरों जाए के बा। अभी खाना बनल का हमें लिया दी लोग, फूफा रात के बसिया रोटी और आयल सब्जी वाले लिया दी, वह खाए में खटता वह। कोनो बात नहीं के सर बेटा, कोनो बात नहीं के, हमारा कोनो काम धंधा बा, बनू गरम गरम खा के जाए। आ फूफा मुर्गो के मीट मंगा दी वह का? ना 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 ना, मुर्गा एक आयल ला लिए, खस्सी के लिया वह। खाए में बड़ी मजा आई। केहू सार हमरा से मीट का पैसा मांग ले लकनु, तुम करा मुंह में लार धास दे। आ कोनो बात ना, कोनो बात ना, जो बगो मीट लेके आ, जो चल भइयो रे। ठीक कहले हम मीट ले आवेला, आज फुफे के बहाने मीट चापल जैसो, साला रोज रोज अंडा खा के लवंडा बनल बनी सब। भइयो रे अपन बापुआ हाथों पर बड़ी जोर से मरले हो, बहुत जोर से। हाँ। अच्छा कोनो बात नहीं के, एक पीस बेसिए खाइए, सारा दर्द दूर हो जाएगी। हाँ। पाहुन इतना करिया काहे बानी? फूफा जी चिमनी में काम करी ले। भोर से कह इतनी इतना झोकड़ल काहे लागे तनिया। फूफा जी राउरो मुहुआ गधा के फूलल गांड लेखा लागता। अच्छा दमा जी मानदान होकेला कि ना, कि हमरे लेकिन रोज रोज बेइज्जत होकेले? मानदान हमर झाट होकेला, वो से बतर दशा होकेला, लेकिन चाहेला कि कब चल जाओ, लेकिन हमू खीसे खूटा गार के बैठल बानी डेढ़ महीना से। ठीके कहतनी पाहुन, एगो हमरो समय रहे घर में जाते गोर धोवाए लागे, आ मीट मछली से घर गम गम महके। ठीके कहतनी फूफा जी, लेकिन आज के समय बा मीट मछली तो दूर के बात बा, हई सर से खाली पाद मोकेला। अच्छा ये सब बात ठीक ठाक नहीं के, लेकिन मिठुआ होता ताले आराम कर ली। इस्माइल भाई गोल पीस काटा, गोल पीस। का इस्माइल मुर्गा कैसे चलत हौ? मुर्गा चलत नहीं के, बैठल बा। सरा हूँ मजाक कैले बरा, दाम बताओ सरवा। अच्छा भाई तनिए बता भाई, सरवा दाम पूछला का? खाली पूछला का मुर्गी कैसे चलता? ए रुक, ए दाम बताओ कैसे हो? 200 रुपए किलो। ओ भाई पैसा लावा। ए इस्माइल सुन ना, एक बार हेतना बीख मत पाद, कम कितना करबे ये बताओ। ना भाई कम ना हो तो। 1 रुपए कम ना करबो। ला 1 रुपए कम दे, 199 रुपए लाओ। साला 1 रुपए कम करके एहसान करत रे का रे, 180 रुपए देबे बोल।
अभी खरे खरे कटवा ले बहू। कम ना तो आगे बढ़। ए चल कम ना करी सर, चल। ए भाई बोल तू कितना चाहिए? आधा किलो। भाई मिटवा ना ले भाई का। ए लेवल जाई, चुप ना। वो अपने बुलाई कहियो भाई, हेने आवा 180 रुपए दो, तन का इंतजार कर। कहां बोला लोग रे साला? साला दोगला बारे है ना बोले लखा। चल ले लेवल जाई। इस महिला है ढाई मीटर किलो सरोड़ा कम कर बेटा। आई धर 200 रुपया अपना गांड में खोस ले। अच्छा एगो समय रहे हमू बहुत बड़का छिना रहे। पापा जी रहुआ रोही हम बानी। पापा आई देखा मीट देखत तुम्हारा साला सबके दुगलाई काचे मीट से मुंह पर मार देल। काथी दुगलाई बतियाला फूफा मुँह पर ना मरियो तो गान पर मरियो। देखत नु बड़ा साला के दुगलाई बतियाए बपो साला कम हरामी नहीं के सब सुनत रहला लइका सके समझावे ला ना। हमका बार बोली वेशभूषा बनाइले बारे गादहा लेकन त सह। प्रणाम मूसा। खुशी रह देहवा पर काहे ने चढ़ा देले आइलन सरसराइल घंटी मारते। प्रणाम मूसा। चल साइकिल पीछे कर। घर में खाला खर्ची ना आ बाटत रह के बा पर्ची। ए घर में दुगो कुटुम कब रह लख कि तीसरा चौथा आ गेल। ए हम ये बोला बतानी कुत्ता लेखन चिल्लाल बर आवत त साला से तो मार के बेलगा दी ना। मीट मांगा मांगा के खियावो गांड फटे न बाप के नु अर्जे में का बेलो दादा जा तने साला के दुगलई। अरे ई त बाबी मौसी के बेटो सब आ रहे हैं रवि और रंजन। अरे कोनी बेले है सर। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। खूब खुशी खूब। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। हट हट प्रणाम कराओ के औकात हो तोरा जाके फोन ले। एके प्रणाम कर लई। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। खुशी रह खुशी रह बाबू हमर। अच्छा दादा कुछ बोलो तो दादा के बात के बुरा ना मानिए सर। ऐसे मिठाई में तो नहीं कथी ले ले सर। कहा कुछ लेनी है माई पैसे ना दे ले रहल तो तोहनी कथी करे ले है धर्मशाला बुझले बारे बिना कुछ ले ले चल दे वालीस। ले पानी पी। हटा पानी। ए का बिलवा पिए दहू। ए मिठाई ना खेले के आल जा दे भइयो पानी पी लेवे दही। ए बिना मिठाई के कुटुंब कसनो कलई रे। चल चल लेके चल घर। जो भइयो घर रात हो जतौ बैठला से कोनो फायदा ना हो। साला दोगला छो सब दुगारी पे कहियो मुतहु ना आए। साले बिना मिठाई के मुंह उठा के चल दिया। बउओ देखो मीट बनल कि ना बनल भूको लागल बा। बाप के जूजी खाए ला बेचैन बरन। देखा तानी बनल कि ना बनल। माई मीट बन गेलौ? हां हो गेलौ। ए माई पानी मत लगाई हम भूजल खबाऊ। हमहू भूजले खबा लोगन। हां पानी ना लगाई ना। अच्छा ठीक हो जा जाके प्लेट ले आ लोगन जा। साला सब कहतो नहीं कि मीट बन गेले बा आके खा ल। उम्मीदो रखले बारा का खाएला उ सर्वस से बचतो तब नु खैबो। भाइयो तोरा में ज्यादा जात हउ। मीट के कमी का रे होना रे साला चुपचाप ज्यादा जात हउ। हाली हाली खोना द फुफा जतो। हां बैठला से काम धंधा ना चले वाला बा दमाजी अपना से गोड़ा चलाऊ पड़ी ना तो भूखे घर चियर के मोर। ए मेहमान भीतर कहां बारे बैठू बारे खाना आई। बोलू मत ज्यादा रहुआ साला हिया भूखे बैठो बैठल घर के नस फटल बा आ खाना भारी आई तोरी बहिन करा के। अरे सब रे कढ़ाई चाट के चिकन कर देले बड़ा। अच्छा एकरा मतलब अलग बर्तन में रखल बा आउट मीटवा। भाइयो
फूफा तो कुछ जानते ना हो बताओ तनी फूफा माई मीटो बने रखा अच्छा आ खाए में लागल वह से अच्छा आ तू रह गया पाछा आ खाते खाते खत्म कर देनी है अरे साला साला मीटो खा गले कुत्ता के बच्चा सब बारे करे ए भोसरो केने मारू हे न्या अंगना में कैसे कैसे लेके पैदा कर ले मारू फूफा ए फूफा हमनी के बदारी के गाड़ी ना ना तो हमने मिलके गाड़ी फाड़ी ए साला हमरे घर पर मेरे भैया हां फूफा के गार में मारो साइने हाथे पकड़ कराओ ए हाथ से हाथ ए मेहमान ए रुकी हम दूसर कुछ ले आओ तो नहीं खाएला चुप छिन रे मार दो सा मार के फूफा के गाड़ो फाड़ दो ए मेहमान आखिर का भेला काहे छिन्नी मौगी लेखन गीत का करवा तनी लइका से दूर से मिल के मर रखा अरे पापा हट जा आज फूफा के गार फाड़ो ए काहे रे का भेला फूफा के गार काहे फाड़बे साला माई के छिनरी कहलक ह मार के धोती कुर्ता फाड़ दे साला के आ पापा गाड़वा के का करी साथे साथे हुआ फाड़ दे ए क्या करत रहा लोगन ठीक नहीं कहो बीच में लबर लबर बरोता रहा तोरा घर जाके तोरा बहिनिया के चिनरी कहती तो कैसा लगता आपको चुपचाप खड़ा रहा मतलब फूफा के साथ साथ तोरो घर फरा जाई अरे फूफा के पेटवा फुल्ले बा अरे मार के पचकाओ रुक अब तोरी के फूफा के बुला के ले अब तब तोरी के हम बताए कि फूफा जी के कितना मर मर ले बारे तईका देर आ रुक जा फूफा तईका देर ओकरा बाद हमने हगाइए ध्यान से तो अगर आप सब भी अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ और वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव 50% बोनस तो ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए।